तनीषा जी, थारा वो मशरूम सूप जो थे मारे को बड़े प्यार से बनाने के लिए कहा था, पीजिए ना, घड़ा चोखा बना है। क्या हुआ, पीजिए ना। सेठ, पहले तुम ट्राई करो ना। मैं कैसे ट्राई करूं, मैं तो ऑलरेडी खा रहा हूं ना। तुम पियो ना। मैं तो पी लूंगी सेठ, बट तुम मेरे हाथ से सूप पीने के लिए कैसे मना कर सकते हो? प्लीज, तुम इतना भी नहीं कर सकते हो मेरे लिए? ओके, एक सेकंड। It's actually nice. देखा, मैं तो पहले ही कहा था। अब है भी पियो ना तनीषा जी। खाना तो तुम काफी अच्छा बना लेती हो। वैसे सही कहते हैं कि लोगों को ना अपने टैलेंट की कद्र नहीं होती है। इतना अच्छा खाना बनाती हो तुम, तो फिर तुमने कुक की जगह इस घर की बहू बनना ही क्यों चुना? क्या फायदा हुआ इस घर की बहू बनने का? काम तो तुम अभी भी कुक वाली कर रही हो ना। तनीषा जी, थारे मुंह से ना ऐसी बातें शोभा ना देती। अब देखो ना, कायदे के हिसाब से तो मार्ट साहब से तलाक के बाद थारे को भी इस घर के बाहर रहना चाहिए, पर जैसा कि हम सब देख सकते हैं, तो इस घर में ही बैठी हुई हो और हमारे साथ खाना खा रही हो। अब थे सूप पियो ना, ठंडा हो जाएगा। तब तक ना मैं थे लोगों के लिए गर्मा गर्म खीर लेकर आती हूँ। सर, काम हो गया कि नहीं? हाँ। कौन सा काम? डील की फाइल पेंडिंग रह गई थी, तो मैं बस वही सेठ से पूछ रही थी। क्या बात है तन्नू, लेकिन तू कब से बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगी? प्यार तो सब करवा देता है ना मॉम, इट्स जस्ट पावर ऑफ लव आई गेस। गर्मा गर्म खीर। बाकी घर वाले कहाँ हैं फालतू? वो लोग डिनर के लिए नीचे नहीं आए? हमारे साथ डिनर करने में प्रॉब्लम है क्या? क्यों नहीं होनी चाहिए के? प्रॉब्लम? हमारा मतलब है लोगों ने जो बाबा और घर के सारे सदस्यों के साथ किया है, उसके बाद हमारे साथ खाना खाना तो दूर, हमारे साथ एक हवा में सांस लेना भी घर वालों को मंजूर ना। खैर, मारे कहने से यही हो जाएगा। थे लोग ना जल्दी से खाना खा लो, ताकि मैं घर के बाकी लोगों को भी देख लो। वैसे तुमने ये खीर किस खुशी में बनाई है? अयान की जेल जाने की खुशी में? चक्कर क्या है? वो सब घर में इतना परेशान थे, तो मैंने सोचा सबको थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश कर लूं, इसलिए बस खीर बनाई थी। अब है लोगों को नहीं खाना है तो कोई परेशानी नहीं है, मत खाइए।
अब होगी हमारे प्लान की शुरुआत। पर भाभी आप श्योर तो हो ना कि वो लोग अपनी नींद से नहीं जागेंगे? ना ना बिल्कुल ना, मैंने जो दवाई मिलाई है ना उनके खीर में, उसके बाद तो अगर कोई उनका पूरा घर भी लूट कर चले जाए ना, फिर भी उनकी आंखें ना खुलने वाली। बस थोड़ी देर का इंतजार हो और फिर उनकी नींद सुबह ही खुलेगी। अब बस कैसे भी कर करना हमें सबूत इकट्ठा करना होगा, और समय ना है हमारे पास बर्बाद करने के लिए। किंशुक भाई साहब थाना जाकर अपना काम शुरू कर दो, हम दोनों आते हैं। ओके डन। आज तो बहुत थकान हो गई है, नींद भी बहुत आ रही है, आई थिंक अब मुझे निकलना चाहिए। नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है, आज का दिन भी काफी इवेंटफुल था। हाँ वो तो है, इससे पहले मैं यही सो जाऊं मैं निकलती हूँ। आंटी मैं सोच रहा हूँ कि आप यहीं रुक जाओ, ऐसे नींद में ड्राइव करना ठीक नहीं रहेगा। सर इज राइट मॉम, आप यहाँ गेस्ट रूम में ही सो जाइए ना, कल चली जाइएगा। एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है मैं यही सो जाती हूँ, तुम दोनों भी सो जाओ प्लीज। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट। सर तुमने अपने आदमियों से बात की? वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच तो गए ना, तुम एक बार कॉल करके कंफर्म कर लो ना, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। तनु पहुंच गए हैं वो लोग, उन्होंने अभी मैसेज किया, ये लो देखो। अब आएगा ना मजा। सर मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। अंदर तुम लोगों का रोज का हो गया है दारू पी के सड़क पे गुंडागर्दी करना, अब सड़ो यहीं पे। तुझे बोला था ना कि आज कहीं और चलते हैं, लेकिन नहीं, तुझे तो वहीं घुसना होता है जहां पे पुलिस हो। अब बैठ यहां पे। सर मैं तो कहता हूँ कि इन्हें दूसरे लोगों में शिफ्ट कर देते हैं, ये अच्छी फैमिली से सर, और काम भी अच्छा कर रहे हैं। सर ये कैसे साथ में रह पाएंगे? सर बातें तो ऐसी कर रहे हैं जैसे अयान मित्तल ने तुम्हें पैसे दिए हैं अपनी तरफदारी करने के लिए। क्या बात कर रहे हैं सर, मैं तो बस अब ये मैं छोड़ो और अपना काम करो, चोरों में कोई भेदभाव नहीं होता, चोर चोर मुसेरे भाई। अब इन बिछड़े हुए भाइयों को थोड़ा एक साथ टाइम स्पेंड करने दो, चलो। और भाई क्या चल रहा है? क्या ही चलेगा? सुनो तनीष और सिद्धार्थ जी हाथी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। कनिका आंटी भी ना खराटे मार के सो गए हैं, और किंचुक भैया भी उनके घर पे पहुंचने वाले होंगे वो सिक्योरिटी गार्ड्स का इंतजाम करने के लिए। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो हम भी चलते हैं। चलो चलो चलो। ओ भैया पानी पिलाई दो, चक्कर आ रहा है, ऐसा लागत है कि दुनिया घूम रही है। अरे भैया रुको रुको, हम पानी लेके आते हैं। ये लो पानी लो। बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आज तुम ना होते तो हमारा राम नाम सत्य हो जाता। अरे भाई तुम तो शर्मिंदा कर रहे हो, आदमी आदमी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? फिर तुम तो अपनी तरफ के लगते हो, कहाँ के हो? हम भदोही से हैं। अच्छा तुम जो हमारी इतनी हेल्प किए हो, हम भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं।
एक मिनट, ये लो। का है ये? ये है बिरयानी। ये हम रोज चौराहे पर बेचते हैं। आज भी बेचकर घर को जा रहे थे। किस्मत खराब कि तबीयत बिगड़ गया। बहुत सारा बिरयानी बचा है। फेंकने से तो बेहतर है किसी के पेट भर जाए। अच्छा है ना? बहुत बढ़िया। हमरा बहुत बिरयानी बचा है। तुमरा कोई दोस्त मित्र हो तो बुलाई लो, उनका भी पेट भर जाएगा। अरे ओ मुकेशवा, मुकेशवा। हाँ आओ। आते आते। अरे का हुआ किशन, काहे चिल्ला रहे हो? एक मिनट, ई लो, ई खाओ। ई का है? ई रामलाल का वर्ल्ड फेमस बिरयानी। अरे नहीं नहीं भैया, हमरे अंदर ड्यूटी चल रही है, हम नहीं खा सकते। अरे खाने में कितनी देर लगती है, खड़े खड़े तो खाना है। और वैसे भी तुम गेट पर ही हो, कोई आएगा जाएगा दिख ही जाएगा। अरे का सोच रहे हो, वैसे भी घर में कोई नहीं है, किसको पता चलने वाला है। अच्छा ठीक है, खा लेते हैं। तुमका मालूम है कि रामलाल की वर्ल्ड फेमस बिरयानी के साथ क्या अच्छा लगता है? क्या? लिटल लिटल। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है का भैया, तुम घर जा रहे हो, हम यहाँ अभी ड्यूटी पर हैं। दो पैक में क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी कौन सा मालिक घर पर है। वन टाइम ऑफर है, सोच लो। ठीक है, दो पैक बस लाओ, जल्दी लाओ। हाँ। फील क्लियर। सुहाना, भारी को इस घर के बारे में सब कुछ पता है, तो थे अपना काम शुरू कर। ऑल द बेस्ट। ठीक है भाभी, थैंक यू। जितना मैं इस घर को जानती हूँ, सीसीटीवी कैमरे का फ्यूज ये। सीसीटीवी कैमरा बंद हो चुका। हेलो सुहाना जी। हाँ मैं अंदर आ गई, थे भी आ जाओ। एक बात तो पक्की है, ये विदेशी चढ़ती बहुत तेज है। लेकिन ये इतनी महंगी दारू तुम्हें किधर से मिल गई रे? हमरा एक दोस्त है, वो हेरा फेरी करता है, चोरी का माल सस्ते में बेचता है। तुमको चाहिए तो मैं तुमको भी नंबर दे देता हूँ। रखे नहीं लोगों ने कागज, मिलने का नाम ना ले रहे। अच्छा तुम दोनों बैठो, हम जरा अंदर चेक करके आते हैं सब कुछ ठीक है या नहीं। हेलो हेलो किंशु, उस गार्ड के अंदर आने से रोको, वो अंदर आ गया ना सब खत्म हो जाएगा। प्लीज जल्दी। कानून की किताब क्या बात है, खुद को छुड़ाने के लिए खुद ही पढ़ाई कर रहा है। देखो बहुत काम है मुझे, प्लीज मेरी बुक वापस कर दो। बुक चाहिए? ले। अरे ले 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 ले। शक्ल से तो बहुत अमीर दिखता है, तुम एक वकील क्यों नहीं कर लेता? क्या पैसे नहीं है तेरे पास? हाँ बोलना। तुमसे मतलब? मुझे परेशान मत करो, तुम लोग मेरी बुक वापस करो। वैसे तेरा नाम क्या है और तूने जुर्म क्या किया है?
सर, इंस्पेक्टर सर, सर प्लीज आइए यहाँ। देखिए ये लोग मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। ए लफड़ा मत करो रे, वरना सबको आगे वहां बराबर डोज दूंगा। अबे कुछ फायदा हुआ कंप्लेंट का? नहीं ना, अब नुकसान तो बहुत होगा। अरे 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 भैया, अरे भैया कहाँ जावत हो, अपना हुलिया तो देखो यार। खड़ाते जाओगे तो सीसीटीवी में देखे जाओगे। हाँ। और मालिक ने देख लिया तो काम से भी हाथ धो बैठोगे। पहले बैठकर पानी वानी पी लो, चाहे तो मैं देखकर कर आता हूँ। इधर बैठो, ई लो ई पियो। भैया तुम बहुत अच्छे हो, हमरे एको काम करोगे? तुम ही जाके अंदर देखाओ सब ठीक है या नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल भैया। भैया भैया थैंक गॉड सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। फालतू में परेशान हो रहे हो भैया, अंदर कोनो नहीं है। परेशान मत हो, दोनों गार्ड सो रहे हैं। देखो मुझसे दूर रहो तुम लोग। हीरो बनना चाहता है? हाँ सारी हीरोगिरी अब निकालता हूं। नहीं! इंस्पेक्टर साहब बचाओ हमें। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे मर रहे, अरे बचा लो। इंस्पेक्टर साहब बचा लो। हमें बचा लो, ये मार देगा इंस्पेक्टर साहब। इसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना चोरी। शर्म नहीं आती? एक तो शराफत का चोगा पहनते हो और ऊपर से ऐसी गुंडागर्दी करते हो। सर पहले इन्होंने हाथ उठाया था। ऐसे मत करो मुझसे, जब से आए हो तब से कोई ना कोई रोज दिक्कत पैदा कर रहे हो। दोबारा अगर ऐसा कुछ किया ना तो लॉकअप का असली मतलब समझा दूंगा। सर साफ साफ क्यों नहीं कह देते, इनको आपने भेजा ही अंदर इसलिए था ताकि मुझसे मारपीट करें। इनके भी और आपके भी दोनों के इरादे साफ दिखाई देते। जबान संभाल के बात करो, तुम एक पुलिस वाले पर इल्जाम लगा रहे हो। क्या चाहते हो? तुम्हारी चार्जशीट पर एक दो धाराएं और लगा दें। लेके चलो इन्हें और दूसरे लॉकअप में डालो, और इसको तो मैं बाद में देख लूंगा। यहाँ पे भी नहीं है वो पेपर्स, किधर है?
इस बीमारी को कोई फाइल ना मिली। किसी हमारे को फाइल मिलेगी जिसमें हमारे को हमारे काम के कागज मिलेंगे। इसकी चाबी चाबी कहाँ छुपा रखी है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।